हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुभाष। आज हम बात करने वाले हैं सनलाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी सूर्य के प्रकाश के महत्व के बारे में। हम सभी को पता है कि सूर्य एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना सूर्य के इस दुनिया में लाइफ का अस्तित्व ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। अगर सूर्य ना होगा तो ना ही प्लांट्स रहेंगे और ना ही हम, यानी बिना सूर्य के ये पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है, अगर सूर्य ना हो तो ये पूरी दुनिया कुछ ही क्षणों में बर्फ़ का गोला बन जाएगी। अगर हम अपने कल्चर के बारे में बात करें तो पुराने ऋषि मुनियों ने या बुद्धिजीवियों ने इस पर बहुत रिसर्च करा और उन्होंने इसके बेनिफिट को समझा। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे तरीके बनाए जिससे हम सूर्य के प्रकाश में अपनी बॉडी को एक्सपोज करें और सूर्य से एनर्जी कलेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान की पूजा है, जिसमें हम सूर्य भगवान के सामने जाकर उनकी पूजा करते हैं। और जब आप सूर्य भगवान की पूजा जाकर सूर्य के सामने करते हैं तो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, जल अर्पण। जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो इसमें हमें 4 से 5 मिनट ही लगता है, बट अगर हम ये पर डे करते हैं तो आप सोचो, आपको 4 से 5 मिनट का पर डे से भी सूर्य की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को मिल रही है और इससे आपकी बॉडी को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। आज तो लोगों की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो चुकी है कि वो सूर्य के महत्व को भूल ही चुके हैं। वे सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, पूरे दिन एक बंद कमरे में रहते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं। वीकडेज में भी वो अपनी फैमिली के साथ घर में रहना ही पसंद करते हैं या फिर तो बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट, थिएटर या शॉपिंग करते हैं, यानी उनको सूर्य का प्रकाश वैसे भी नहीं मिल पाता। इससे होता क्या है, इससे बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे बैक पेन, लो इम्यूनिटी, हेयर लॉस, बोन डीके, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या। और ये आपको जान के अजीब लगेगा कि इंडिया में 70 से 90% जो लोग हैं वो विटामिन डी के डिफिशियंसी के शिकार हैं, यानी उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम सूर्य से बेनिफिट उठा सकें। तो पहला है सन गेजिंग, यानी सूर्य दर्शन। जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो हमें सूर्य के पास जाना होता है और सूर्य की आंखों में आंखें डाल के हमें देखना होता है, यानी एक टक होके हमें सूर्य की तरफ देखना है। उससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारी आंखों से होते हुए मस्तिष्क में जाती हैं और उसे एक्टिवेट कर देती हैं। इससे हमारे ब्रेन को बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरा है चार्ज वाटर, यानी हम अपने जो पानी पीते हैं उसको कैसे एनर्जेटिक बनाएं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि अगर हम पानी को एक शीशे में रख के, यानी शीशे के ग्लास में रख के, अगर उसे खुले सूर्य के प्रकाश में रखें तो वो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी कलेक्ट कर लेता है और अगर हम उसको पिए तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। पहले होता था कि हम घड़े में पानी रख के उसे बालकनी में या छत पर रखते थे, यानी खुले वातावरण में रखते थे। पानी की टेंडेंसी और मिट्टी की टेंडेंसी ऐसी है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करती है और उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसको एनर्जेटिक बना देती हैं। तो आप घड़े का पानी आप पी रहे हो तो आपको काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी अच्छा फील होगा। लेकिन आज हम घड़ा यूज़ कहाँ कर रहे हैं, आज तो हम आरओ यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अजीब लगेगा कि आरओ का पानी पीने से, रेगुलर पानी पीने से आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। आप देखोगे कि आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, आरओ का पानी। आपकी जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन एक है मेरे पास। आप ठीक है, आपके सराउंडिंग में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके लिए आप क्या करो कि एक्वागार्ड यानी आरओ जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका पानी कलेक्ट करो, उसे एक घड़े में डालो और उस घड़े को खुले वातावरण में, बालकनी में या छत पे, जहाँ भी आपको लगे आप उसे रखो। जब वो सन के एक्सपोज में रहेगा 1 या 2 दिन, जब आप उसका पानी पियोगे वो एनर्जी से भरपूर रहेगा और आपको भी उससे एनर्जी मिलेगी। आप ये ट्राई करके देखो, जब आप आरओ का पानी पियोगे और घड़े का पानी पियोगे आपको डिफरेंस काफ़ी समझ में आएगा और इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। तीसरा है सूर्य स्नान यानी सन बाथिंग। इसमें क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को सूर्य के प्रकाश में ले जाना होता है, लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना है कि जब आप सूर्य के प्रकाश में जाएं तो कम से कम कपड़े पहने हो या फिर सफ़ेद कलर के हल्के कपड़े पहने हो, इससे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा समय बेस्ट है और कितनी देर आपको सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश लेने का बेस्ट जो टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइम। उस समय सूर्य की किरणें बहुत तीव्र नहीं होती, बहुत तेज़ नहीं होती,
दूसरा है कि कितनी देर हमें लेनी चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 से 10 मिनट भी आपके लिए एनफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम निकाल पाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट दो। जब आप 15 से 20 मिनट सूर्य के प्रकाश में रहते हो तो आपकी बॉडी स्वेट करती है, और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, आपको पेशाब भी लगेगी। और जब आप यूरिन के लिए जाओगे, पेशाब के लिए जाओगे, तो आप नोटिस करोगे आपका पेशाब येलो कलर का होता है। इससे ये प्रूव होता है कि जब आप सनलाइट 15 से 20 मिनट तक के लिए लेते हो तो आपके बॉडी उस समय डिटॉक्स करती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आते हैं, इसलिए आपके पेशाब का कलर येलो रहता है। तो है ना सूर्य के बहुत से बेनिफिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने कॉमेंट भी ज़रूर डालें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।